सो माघ नक्षत्र इज 10th नक्षत्र एंड इट फॉल्स कंप्लीटली इन लियो. इट फॉल्स बिटवीन 0 डिग्री टिल 13 डिग्री 19 मिनट्स लियो. दिस इज ऑल्सो नोन एज द रॉयल स्टार, द रॉयल्टी. द मंत्र इज ओम श्री माघ नक्षत्र देवताय नमः. एंड इट्स शक्ति इज त्याग शिपाणी शक्ति. त्याग के जो क्या आपने अपने बॉडी से बाहर निकाला है, किस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज शिपाणी शक्ति. सो त्याग शिपाणी शक्ति को समझने से पहले इसके देवता को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और इसका जो देवता है वो होते हैं हमारे पूर्वज, दैट इज पितरी, हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं. तो हमारे हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जो भी हमारा हमारी जो भी बॉडी है, इट इज़ एन एविडेंस ऑफ आर एंसेस्टर्स. हमारी बॉडी हमारे एंसेस्टर्स की एविडेंस है कि हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे. और जो जीन्स है हमारी बॉडी में, वो हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू फ्लो आउट होके आज हमारे पास जिस फॉर्म में है, वो ओवर द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट आई है. तो जो जीन्स हैं हमारी बॉडी के, ये देवता है. देवता मीन्स वेसल. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, हर नक्षत्र के एक देवता होते हैं. ये देवता का मतलब मैनिफेस्टेशन होता है कि किस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. जैसे अश्लेषा के देवता शेषनाग होते हैं, तो शेषनाग का मतलब सरपेंट नहीं हुआ, शेषनाग का मतलब हुआ तरीके. कितनी तरीके से, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप कहीं टूर पर जाते हो, तो आप कार की प्लानिंग, आप पैसे की प्लानिंग, लोगों की प्लानिंग, इन सब की प्लानिंग को अश्लेषा नक्षत्र कहते हैं, जो कि 4-5 तरीके से किया जाता है. वैसे इन बने हुए प्लान्स पे रिएक्ट करना, जो भी प्लान आपने बनाया है उस पे एक्ट करने को माघ नक्षत्र कहते हैं. अब माघ नक्षत्र का रिप्रेजेंटेशन शेर होता है. हम शेर को जानते हैं कि वो किसी भी काम में अपना 100% देता है. तो आपके जो जीन्स हैं, जो भी जीन्स आप कैरी कर रहे हो अपने बॉडी में, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. आपके जीन्स में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्ट को परफॉर्म करते हो. लोग बोलते हैं कि एक कुंडली, एक समय पे 1,000 लोग पैदा होते हैं, लेकिन हज़ारों की कुंडली सेम होने के बावजूद लाइफ सबके अलग अलग क्यों होते हैं, उसका रीज़न है माघ नक्षत्र. माघ नक्षत्र की जो के जो देवता है पितरी, पितरी का मतलब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अपने पूर्वजों से कैरी किया है अपने जीन्स में. ये देवता होने का मतलब ये नहीं है कि अब आप ये पुजारी बन जाओगे, या फिर आप पितरी देवता होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने एंसेस्टर्स पे रिसर्च करने. हाँ, जो भी प्रोमिनेंट प्लैनेट्स हैं, अगर चौथे स्थान पे माघ नक्षत्र है, उस अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं, तो आप हिस्टोरियन बन जाते हो. पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको. आपको एंसेस्टर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो करने में बड़ा मज़ा आएगा. लेकिन माघ नक्षत्र परफॉर्मेंस का नक्षत्र होता है. आपके अंदर जो जीन्स हैं, वो जीन्स आपको कितना अलाउ करते हैं परफॉर्म करने के लिए. तो जितनी कैपेसिटी है आपके अंदर, जो आपके पूर्वजों ने आपको पास किया, उसी के बेसिस पे, उसी को एज एन सपोर्ट मान के ही आप किसी काम को कर सकते हो. अदरवाइज आप किसी काम को नहीं कर सकते अपने आप पे, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो रिप्रेजेंटेशन है कि आपके पूर्वज एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने कुछ किया, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ कुछ किया होगा, और जो जो उन्होंने किया वो सब आप अपनी बॉडी में एज एन इंफॉर्मेशन होल्ड करके बैठे हो. इस जीन्स में जो इन्फॉर्मेशन है, उस जीन्स के बेसिस पे जो आप अपने बॉडी से जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हो, क्रिएटिव फंक्शन, आपने कुछ सोचा, प्लानिंग की, और उस हिसाब से आपने जो भी किया, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी परफॉर्मिंग एंड एक्टिविटी है. जो ये मैं बात कर रहा हूँ, इस परफॉर्मेंस को मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जीन्स में उतनी कैपेसिटी है, फिर मेरे पूर्वजों ने उतना इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया है कि मैं इस काम को कर पाऊँ. तो ये पूर्वजों का पुण्य भी कहलाता है. हालांकि अगर मान लो आपका सैटर्न है माघ नक्षत्र में, तो आपको परफॉर्म करने से मतलब है, आपको किसी काम को कर दिखाने से मतलब है, प्लानिंग से मतलब नहीं रह जाता है. हर काम, किसी भी तरीके का काम हो, उस काम को करने के लिए पहले हमें ये जो मैंने पहले 9 स्टेप्स बताए, ये 9 स्टेप्स रिक्वायर होते हैं, तब 10वां स्टेप आता है माघ नक्षत्र. तो माघ नक्षत्र फेरोसिटी को डिनोट करता है. अगर यहाँ मंगल है, तो आप बहुत फेरोशियसली अपना काम करते हो.
अगर मंगल इस नक्षत्र में और ये नक्षत्र 9th place पे है तो आप बहुत ही फेरोशियसली किसी चीज़ को रिलीज़ करोगे, शूटिंग करने में बहुत इंटरेस्ट होगा, बहुत जल्दी आप शूट कर सकते हो किसी चीज़ को। ये नक्षत्र ऑनर का नक्षत्र होता है, आपको रॉयलिटी रुआब आपने अपनी जो आपके पूर्वजों की जो इज्जत कैरी कर रहे हो आप उस चीज़ का रुआब इसको कहते हैं। अगर ये नेगेटिवली एफ्लिक्टेड है ये नक्षत्र तो आप घमंडी बन जाते हो, अगर पॉजिटिवली एफ्लिक्टेड है तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है। ये नक्षत्र हर किसी के कुंडली में कहीं ना कहीं होता है और उसी अकॉर्डिंग आपके पूर्वजों के जीन्स का कौन सा पोर्शन सबसे ज़्यादा है आपके बॉडी में, आपके आपकी उनकी उनसे आपने क्या कैरी किया है ये दर्शाता है माघ नक्षत्र। सो मैंने ऐसे बताया था कि जो परफॉर्मेंस होता है किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना उसको इस नक्षत्र से देखते हैं। तो इस नक्षत्र में पड़ा हुआ कोई ग्रह जैसे बुध पड़ा हुआ और बुध की महादशा चल गई, माघ नक्षत्र के बुध की महादशा चल गई, मैं अभी पद नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं एंड में पद बताऊँगा, सब एक साथ कवर हो जाएगा। सो अगर आपका बुध माघ नक्षत्र में और उसकी महादशा चल गई तो आप एक्शन ओरिएंटेड वर्क करोगे उस चीज़ से रिलेटेड जिस जगह पर वो पॉजिटेड है। 10th house में है तो आप लोगों को शांत करने का काम करोगे, एक वो टीचर जो पनिश करता है क्लास को शांत करता है उस टाइप के काम होंगे आपके। हमने इससे पहले देखा था कि अश्लेषा में हमने प्लानिंग कर ली थी और उसके बाद हमने माघ नक्षत्र में एक्ट किया, तो गृह प्रवेश किसी भी चीज़ का इनिशिएशन, किसी भी ओपनिंग, किसी भी बड़े शोरूम का ओपनिंग, किसी भी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना, इन सब को माघ नक्षत्र से देखते हैं। अगर माघ नक्षत्र में बैठे प्लैनेट की सपोज सैटर्न है और सैटर्न की महादशा चल गई तो आप कुछ अपना पॉलिटिकल ग्रुप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप सिर्फ इतना मान के चलो कि हर वो इंस्टीट्यूशन जो आज एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में कभी ना कभी स्टार्ट हुआ होगा, वो जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था ना उसको माघ नक्षत्र से देखते हैं। आरएसएस भी कभी स्टार्ट हुआ होगा 1925 में, तो जो स्टार्टिंग हुआ था उससे पहले उसका प्लानिंग हुआ होगा, उस प्लानिंग से पहले उसका आइडिया डेवलप किया गया होगा। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने को, किसी कंपनी को स्टार्ट कर देने को जो फर्स्ट डे ऑफ द ऑफिस होता है वो माघ नक्षत्र से देखते हैं। माघ नक्षत्र में अगर आपका मान के चलो कि सूर्य पड़ गया तो आप वो पंडित बनोगे जो कि हर घर में किसी भी इनिशिएशन को स्टार्ट करता है, जैसे कि ग्रह प्रवेश का पूजा कराना हुआ या फिर किसी बड़े शोरूम का ओपनिंग हुआ, तो ये जो फर्स्ट जो कोई चीज़ स्टार्ट होती है, जैसे कोई बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो जो फर्स्ट डे आपने कोई चीज़ स्टार्ट की उसको ओपनिंग की, ये ओपनिंग को माघ नक्षत्र कहते हैं। ये ओपनिंग के मुहूर्त पे डिपेंड करता है कि ये कब तक चलेगा, तो ये मुहूर्त का नक्षत्र होता है, तो इसीलिए इस नक्षत्र से मुहूर्त भी देखते हैं। इस नक्षत्र में पड़ने वाले जो भी प्लैनेट्स होते हैं, अगर आपकी उनकी महादशा चल रही है या फिर माघ नक्षत्र होने के साथ चर दशा चल गई लियो की, तो आप प्री प्लानिंग से ज़्यादा परफॉर्मेंस में बिलीव रखें। किसी भी चीज़ को जल्दी से, अगर बुध है तो बहुत जल्दी किसी चीज़ को स्टार्ट कर देते, तो स्टार्टिंग का नक्षत्र है या किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर देने का नक्षत्र है। अगर ये नेगेटिवली इन्फ्लिक्टेड है तो नेगेटिवली इन्फ्लिक्टेड होने के कारण आप गलत चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो, लाइक बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं उन चीज़ों को आप चालू कर देते हो, इनिशिएट कर देते हो। फॉर एग्जांपल ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, फॉर एग्जांपल ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो गई, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन हो गया, इन सब चीज़ों को स्टार्ट किया जा सकता है अगर माघ नक्षत्र इन्फ्लिक्टेड है तो। अगर माघ नक्षत्र पॉजिटिवली एफ्लिक्टेड है तो आप फिल्म इंडस्ट्री में अपना कोई ऑफिस स्टार्ट कर दोगे या फिर हर्बल मेडिसिन, अगर शुक्र है यहाँ पे माघ नक्षत्र में तो आप अपना योगा सेंटर हो गया या फिर कोई भी बुटीक हो गई या फिर कोई भी ज्वेलरी शॉप हो गया, इस चीज़ की ओपनिंग करोगे। और आपको ओपन करने से बहुत मतलब रहेगा, किसी भी चीज़ को चालू करके छोड़ देना, आपने बहुत लोगों का देखा होगा कि उनका बिजनेस मॉडल होता है कि कुछ भी इनिशिएट किया और छोड़ दिया, वो अपने आप कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो जितनी भी शेल कंपनीज हैं जो कि अपने आप पे रन कर रही हैं इनको माघ नक्षत्र से देखते हैं। माघ नक्षत्र में फिर बता दूँ, ये
सिर्फ एक प्रोसेस का एक छोटा सा, एक बहुत बड़े प्रोसेस का एक छोटा सा स्टेज है। उस स्टेज में अगर आपका नक्षत्र, उस स्टेज में आपका प्लैनेट है अगर, और उसकी महादशा चल गई, तो आपको उस स्टेज से रिलेटेड आपको इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब वो मैं जब महादशा एक्सप्लेन करूँगा तो मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे किसी नक्षत्र को और प्लैनेट को एक साथ देखा जाता है। तो माघ नक्षत्र का मतलब किसी चीज़ को इनिशिएट करना होता है, किसी भी चीज़ को ओरिजिनेट, फॉर्म में लाना। अग्नि तत्व की दूसरी राशि होती है सिंह राशि, उसका सबसे प्रोमिनेंट नक्षत्र है माघ नक्षत्र। माघ नक्षत्र अगर नेगेटिवली इन्फ्लिक्टेड है तो घमंडी बनाता है, और पॉजिटिवली इन्फ्लिक्टेड है तो सेल्फ रिस्पेक्ट आता है इंसान के अंदर। आप अपना खुद का कोई कल्ट स्टार्ट कर सकते हो माघ नक्षत्र के अंदर। तो ये नक्षत्र मुहूर्त के लिए भी देखा जाता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो, ये बहुत इंडिकेटिव वीडियो है, अगर मैं इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूँ तो 2-3 घंटे का वीडियो बन सकता है ये। सो विद दिस स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।